हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो इंडिया में काफी कॉमनली अवेलेबल है और अमेजोन पे सिर्फ 300 से 400 रुपए में ये मिल रहा है इस टाइम पे। और इसको जनरली ब्रांड्स एज बेटा एक्वेरियम लेबल करती हैं। बेटा एक्वेरियम के नाम पे इसको मार्केट किया जाता है और लोग इसे खरीद भी लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इसे खरीदना सही है या गलत। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसका जो आउटर बॉक्स है वो मैंने हटा दिया है और किसी भी ब्रांड का लोगो यहां पर आपको विजिबल नहीं होगा। मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। तो सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं, ये खरीदना बिल्कुल भी सही नहीं है अगर इसको आप बेटा के लिए खरीद रही हैं। एक बेटा फिश के लिए इतनी छोटी स्पेस सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल भी। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, इसके साथ एक पार्टीशन भी आता है जो इस छोटे से कंटेनर को, ऑलरेडी बहुत छोटे कंटेनर को, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंटेनर ऑन इट्स ओन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। एक बेटा फिश के लिए इतनी मूविंग स्पेस बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। जब वो एडल्ट साइज में है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इतनी छोटी स्पेस में उसको रखना उसके लिए टॉर्चर से कम नहीं है। इट्स ए नाइटमेयर फॉर एनी फिश इतने छोटे टैंक में रहना। तो साइज के मामले में तो ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अब अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है कि ये बेटा ब्रीडिंग के लिए भी सफिशिएंट है, तो आप देख सकते हैं स्पेस और ज़्यादा कम हो गई है, लिटरली हाफ हो गई है जितनी पहले थी उससे। तो पानी तो इसमें स्टिल जितना पहले आता था उतना ही आएगा। बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इजीली इसमें से पास होगा, लेकिन बेटा के पास मूविंग स्पेस और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बेटा अगर इसमें मूव करना चाहे तो 2-3 इंच से ज़्यादा उसके पास मूविंग स्पेस यहाँ पर नहीं होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दो बेटा अगर इसमें आप रखते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने वाली हैं। यू कांट इमेजिन द लेवल ऑफ स्ट्रेस दे विल गो थ्रू। ये तो रही बात इसके साइज़ की, अब मैं आता हूँ इसकी वॉल्यूम पे। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर जो इसके बॉक्स पे मेंशन था वॉल्यूम के लिए, बट बहुत कम रहेगी इसकी वॉल्यूम। देख के ही आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी कम होगी, और स्क्रीन पे अभी आप इसकी वॉल्यूम देख भी पा रहे होंगे। तो बहुत ही कम वॉल्यूम है इसकी, और इतनी कम वॉल्यूम में वाटर पैरामीटर्स कितनी जल्दी फ्लक्चुएट करती हैं, यू कांट इमेजिन। आप कभी भी इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ वाटर पैरामीटर्स। तो वाटर पैरामीटर्स जब इतनी जल्दी इसके फ्लक्चुएट करेंगे, तो वो फिश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इट्स हाईली अनसेफ, फिश की डेथ भी हो सकती है, लेकिन अगर डेथ नहीं भी हुई तो इट विल कंटिन्यू टू सफर। काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम डेली इसका वाटर चेंज कर देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट रियलिस्टिक, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और आप कितना भी वाटर चेंज इसमें कर लें, ये कभी भी फिश इसमें हेल्दी नहीं रहेगी, ना ही वो हैप्पी रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करती हैं कि मेरे पास ऐसा छोटा सा टैंक, जो टैंक कहलाने के लायक भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, 1 साल से है और 1 साल से मेरी बेटा इसके अंदर जिंदा है। अब सेम चीज़ अगर हम एक इंसान के ऊपर अप्लाई करें, उसको एक छोटे से कमरे में बंद कर दें पूरे 1 साल के लिए, उसको खाना पीना टाइम पर प्रोवाइड करते रहें, बट रूम को लीव ना करने दें, तो उस रूम के अंदर क्या इंसान खुश रह पाएगा? इसका आंसर है नो, इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगा इतने छोटी स्पेस में। तो द सेम गोज़ फॉर फिश, वो इंसान की तरह चाहे इमोशंस बिल्कुल सेम ना फील करते हों, लेकिन इतनी छोटी स्पेस में वो भी स्ट्रेस फील करते हैं, और जिंदा वो रह लेंगे लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप एक बार प्रैक्टिकली सोचें, तो इज इट वर्थ, क्या इतने छोटे कंटेनर में एक फिश को रखना वर्थ है? सो द आंसर इज नो। 300 से 400 रुपये आप स्पेंड कर रहे हैं इस बेकार से प्रोडक्ट पे, इससे बेटर है आप थोड़े से और पैसे डाल के एक 1 फीट क्यूब खरीद लें। 1 फीट का टैंक नहीं खरीद सकते आप, 10 इंच के टैंक में भी रख लेंगे स्टिल बेटर है। इट्स स्टिल बेटर देन दिस पीस ऑफ गार्बेज। इससे बेटर वर्ड मेरे पास इस प्रोडक्ट के लिए नहीं है। ये किसी और पर्पज़ के लिए अगर मार्केट में सेल हो रहा होता, कोई और यूज़ हो, तो बात अलग है, बट फिश के लिए ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। और इसकी सेल वैसे तो इंडिया में बंद होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। अगर सेल हम बंद नहीं करवा सकते, तो एटलीस्ट अपना जो बाइंग बिहेवियर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरर को अगर बेचने से नहीं रोक सकते, तो आप एटलीस्ट इस प्रोडक्ट को खरीदने से तो खुद को रोक सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा, ऐसा छोटा कंटेनर किसी भी कंपनी का आप ना खरीदें मछली रखने के लिए,
और किसी पर्पज के लिए आपको लेना है तो आप जरूर लें, यू आर फ्री टू परचेज इट, बट मछली के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। बहुत सारे लोग अपनी कंजूसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, आप प्लीज ऐसा ना करें। अपनी कंजूसी के लिए आप बेटा को सफर ना करने दें। नेचर में चाहे वो कितनी भी स्पेस में रहती हो, इस छोटे से डिब्बे में आप वो रेप्लिकेट कभी भी नहीं कर सकते। और काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इसमें हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं, तो देर आर मच बेटर सेटअप्स दैट यू कैन प्लान फॉर योर फिश। एक ब्रीडिंग सेटअप आप अच्छा सा बनाएं, इतने छोटे से डिब्बे में आप ब्रीडिंग बिल्कुल भी ना करें। एक प्रॉपर टैंक सेटअप होगा अगर तो मछली भी खुश रहेगी और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। एक और इशू जो बड़ा निकल के आता है वो है इतने छोटे कंटेनर में आप हीटर फिट नहीं कर सकते, तो सर्दी के मौसम में फिश बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। बिना हीटर के आप उसे रखेंगे तो प्रॉब्लम है अगेन, और हीटर तो इसमें फिट आएगा नहीं, तो हर 5 मिनट में आप गर्म पानी टॉपअप तो करने नहीं वाले, ऊपर से वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगेन हीटर फिट नहीं आएगा तो मछली सफ़र करेगी। उसके अलावा फिल्टर इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप फिल्टर, एक छोटा स्पॉन्ज फिल्टर ऐड करते हैं तो इतने छोटे कंटेनर में आप फ्लो भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे सही से, फ्लो बहुत ज़्यादा ओवर होगा, फिश के लिए सही नहीं है। और फिल्टर ऐड करने के बाद इसमें स्पेस और ज़्यादा कम हो जाएगी फिश के लिए, तो अगेन फिल्टर भी इसमें आप ऐड नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि एक बेटा फिश को फिल्टर नहीं चाहिए, बेशक वो बिना फिल्टर के जिंदा रह ले, लेकिन आइडियली आपको अपने टैंक में, बेटा टैंक में भी फिल्टर ऐड करना चाहिए टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी। अगर आपकी वाटर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो अगेन फिश हैप्पी और हेल्दी रहेगी। तो फ्लो आपको ज़रूर मेंटेन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टैंक में फिल्टर ही ना ऐड करें। द नेक्स्ट इशू इज़ इतने छोटे कंटेनर में आप प्लांट्स नहीं ऐड कर सकते। बेटा जो है वो प्लांटेड टैंक में ज़्यादा खुश रहती है, बेटाज थ्राइव इन प्लांटेड सेटअप्स, और इतने छोटे में आप प्लांट क्या ही ऐड करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो इस प्रोडक्ट के साथ आप फेस करने वाले हैं। तो इट्स बेटर आप अपने पैसे वाइजली इन्वेस्ट करें, चाहे फिश कोई भी हो आपको उसको एक अच्छा सेटअप प्रोवाइड करना चाहिए। फिश आप जब घर पे लेके आते हैं तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट इन द राइट एनवायरनमेंट। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो को इससे ज्यादा मैं नहीं खींच सकता, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। जितना मैंने आपको बताया आई होप आप समझ पाए हो कि ये प्रोडक्ट क्यों गलत है आपकी बेटा के लिए। सो मेक श्योर ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने की जगह आप एक अच्छा सेटअप अपने बेटा के लिए प्लान करें।